आज ही के दिन 1902 में मैरी और पियरे क्यूरी ने पेरिस की प्रयोगशाला रेडियो एक्टिविटी की खोज की, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। विज्ञान की दो शाखाओं में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली मैरी क्यूरी पहली महिला वैज्ञानिक हैं। आज ही के दिन 1953 में ऑपरेशन लिटिल स्विच का आगाज हुआ, जिसके तहत कोरियाई युद्ध के घायलों और बीमारों को छोड़ने की प्रक्रिया शुरू हुई। इस दौरान उत्तर कोरिया ने संयुक्त राष्ट्र के 684 बीमार और घायल सैनिक रिहा किए, जिसके जवाब में संयुक्त राष्ट्र ने कोरिया और चीन के 6224 सैनिक छोड़े। आज ही के दिन 1970 में उर्दू के महान शायर, साहित्यकार और हिंदी फिल्मों के गीतकार शकील बदायूनी का मुंबई में निधन हो गया। शकील बदायूनी ने करीब 3 दशक के फिल्मी जीवन में लगभग 90 फिल्मों के लिए गीत लिखे। आज ही के दिन 2009 में भारतीय रक्षा की निगरानी क्षमता को मजबूत बनाने के मकसद से इसरो ने अपना पहला सभी मौसम में सक्रिय रहने वाला गुप्तचर उपग्रह RISAT-2 श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। RISAT-2 पृथ्वी के प्रतिबिंब लेने के लिए सभी मौसम क्षमता सहित रडार प्रतिबिंबन उपग्रह है।